हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरोजनी नगर हॉल रिसेंटली मैं मैंने आपके साथ शेयर किया था सरोजनी नगर का व्लॉग अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे में मेंशन कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी तो वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा वो सेप्टेम्बर मंथ का ही वीडियो है रिसेंटली का ही अभी मैं वहां पे गई थी विजिट किया था तो कैसा था वहां पे मार्केट और सारी चीजें मैंने उस वीडियो में शेयर किया तो आप वो ब्लॉग जरूर जाके देख लीजिएगा सो उस दिन मैंने जो थोड़ी बहुत चीजें परचेज की थी वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्या क्या परचेस किया था तो so करते जल्दी से वीडियो को स्टार्ट, so so guys, नगर से मैंने थोड़ी ही उस दिन की थी तो मैं आज आपके साथ कर रही हूं कि मैंने क्या क्या लिया था और अभी जो मार्केट है, है वो बिल्कुल खाली हो गई है वो लेन बिल्कुल अब वहां पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए वो लेन खाली हो गई है और थोड़ा अब जो रश तो रहता ही है वीकेंड्स पे सैटरडे संडे आपको पता ही होगा एसन तो अफोर्डेबल क्लोथिंग फुटवेयर बैग्स सारी चीज़ों के लिए काफी ज़्यादा फेमस है तो थोड़ी वहाँ पे आपको रश मिलेगा अगर आप जाना चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग जाओगे तो आपको आफ्टरनून तक काफ़ी कुछ आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर लोगे बट उसके बाद तो काफी ज्यादा रश हो जाता है वीकेंड स्पेशली सो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो और सो विंटर कलेक्शन भी अभी आ गया है सन में तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं एंड जंक ज्वेलरी एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी आपको काफी ज्यादा मिल जाएगी देखने के लिए सो so, क्या क्या लिया है वो मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने थोड़ी बहुत चीजें ही ली थी सबसे पहले मैंने एक जो लिया था वो लिया था ये ब्लैक कलर का ट्राउजर मैंने परचेज किया था ये कुछ इस तरीके का है और उसकी क्वालिटी वाइज काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी क्वालिटी उन्होंने मुझे इसको इसका प्राइस जो उन्होंने मुझे बताया था वो थ्री फिफ्टी बोला था बट मैंने इसको बार्गेनिंग की थी तो टू हंड्रेड में मुझे ये मिल गया था बट अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो आप एस से काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर पाओगे तो डिसाइड कर लेना सरोजनी नगर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो थोड़े ब्लॉग्स वगैरह चेकआउट करके जाना तो आपको प्राइस वगैरह के जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कौन सी चीज़ें कितने तक में आपको लेनी चाहिए और कितने तक में आपको मिल जाएगी तो आप बार्गेनिंग जरूर कीजिएगा क्योंकि एक्चुअल प्राइस पे तो ज्यादा आजकल करते भी नहीं क्योंकि काफी चेंज हो गया है सरोजनी पहले से तो अभी जो है शॉपकीपर जो है वो ज्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करते बट आप स्टिल कर सकते हो काफी हद तक सो so गाइज ये मैंने लिया है ट्राउजर और जो मैं इनके आउटफिट के गाइज ट्राई हूँ उनमें आपको साइड में दिख जाएंगे मैं आपको दिखा दूंगी अभी आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि वो कैसा लग रहा है तो इसकी जो क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी है ये ब्रॉड इस तरीके की ब्रॉड स्ट्रेचेबल स्टेप के साथ में ये आता है फ्रंट में ये कुछ इस तरीके से दो बटन यहाँ पे दिए गए हैं एंड गाइस इसके फ्रंट साइड में ये एक कुछ स्प्लिट टाइप का ये यहाँ पे जो है डिज़ाइन है ये आप देख सकते हो नीचे से थोड़ा सा इस तरीके से ये बेल बॉटम टाइप से है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये मैंने लिया था वहां से और वहां के जो साइजेस होते हैं गाइज वो थोड़े डिफरेंट होते हैं अगर आप ब्रांड में अगर आप मीडियम साइज लेते हो तो वहां पे आपको एल आ सकता है मे बी आपको एल साइज़ में लेना पड़े तो साइज जो है वो अगर आप ब्रांड का किसी ब्रांड का आप मीडियम एल वेयर करते हो तो वहां पे आपको थोड़ा चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि मीडियम साइज जो है आपको मुझे लगता है मीडियम अगर आप वहां का मीडियम लोगे तो वो आपको मे आ सकता है नॉट श्योर बट ये ये वैसे इनके साइज साइज के हिसाब से ये मैंने एल में लिया था और ये मेरे लिए परफेक्ट है इस ट्राउजर के साथ में जो मैंने पेयरअप करके लिया था वो मैंने ये शर्ट लिया था ये गाइस एक ब्लेजर स्टाइल में शर्ट है आप ये देख सकते हो ये पतली शर्ट है बस इसका जो डिजाइन है वो ब्लेजर टाइप में आप ये देख सकते हो यहाँ पे इसमें कॉलर बने हुए हैं ये इस तरीके से है तो ये कुछ जैसा ब्लेजर का डिजाइन होता है कुछ इस तरीके से है बट ये शर्ट है और यहाँ से भी आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न में ये मिलता है फ्रंट में ये इसके जो स्लीव्स हैं वो थ्री फोर स्लीव्स हैं बट कपड़ा का इतना ज्यादा अच्छा है इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ये मुझे मिला था जस्ट कैन यू बिलीव इट गाइक जस्ट टू हंड्रेड में ये मुझे मिला था और इसकी क्वालिटी के हिसाब से 200 में ये वर्थ इट है बहुत ज़्यादा अच्छा है ये सो so, ये मुझे मैंने लिया था इस ट्राउजर के साथ में पेयरअप करके सो so, मैं इसके साथ भी इसको मैं वेयर कर सकती बट मैंने इसके साथ में एक अलग से वाइट टॉप भी लिया है तो so, वो भी मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इसके साथ बट मैंने इसको इसके साथ में ये लिया so, सो नेक्स्ट जो टॉप है वो मैंने लिया है ये ब्लैक कलर का ये जॉर्जर्ट जो जौ, नॉट प्रॉपर जॉर्जर्ट बट थोड़ा सा ये उस कपड़े में है बट जो, जो थो थोड़ा सा रफ होता है ये उतना रफ नहीं है ये काफी अच्छा इसका कपड़ा है जो आपको ये जो स्लीवस है ये कुछ इस तरीके से लेस पैटर्न में मिलेगा और ये यह यहाँ पे बटन भी दिया हुआ है पे स्लीवस में और स्टार्टिंग में यहाँ पे यहाँ पर भी जो है लेस पैटर्न दिया गया है इसमें और ये शर्ट टाइप में है ये शर्ट टाइप में जो है ये टॉप है आपको यहाँ पे बटन मिल जाते हैं फ्रंट में एंड साइड में ये जो है ये इस तरीके के कॉलर के साथ में आता है ये एंड जो आपको फ्रंट में भी इस तरीके से लेस पैटर्न ही मिलता है इस टॉप में तो इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये इसका जो प्राइस है वो सेम 200 में ही मैंने इसको लिया था और ये बहुत ज्यादा अच्छा है अभी जैसे थोड़ा जो भी ज्यादा भी ना तो भी जो वेदर है जो ज्यादा ना ही गर्मी है दिल्ली में ना ही ज्यादा ठंड वाला वेदर आया तो ऐसे वेदर के लिए इस टाइप के फुल स्लीव टॉप काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे ये अक्टूबर नवंबर के जो मंथ में जो वेदर रहता है दिल्ली में स्पेशली तो इस टाइम की जो टॉप है वो आप स्पेशली ले सकते हो ऐसे के लिए इन सारे ही कपड़ों को मैं गैस वॉश कर चुकी हूँ तो वॉश करने के बाद आप ये देख पा रहे हो कि ये कैसी क्वालिटी है ऐसा भी नहीं है कि किसी में से कोई कलर नि निकल रहा था या कुछ ऐसा कोई कलर भी नहीं निकल रहा था सो क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छी है और सिलाई भी इनकी काफी ज्यादा जो स्टिचिंग है वो भी काफी ज्यादा अच्छे से हो रखी है आप ये देख सकते हो स्टिचिंग जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से है सफाई से हो रखी है कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से निकल रहा एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉप मैंने लिया था वो है ये ये कॉलर में है और इसका जो कपड़ा है वो होजरी में है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है इसको आप कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो एज यू कैन सी ये बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है तो ये फ्री साइज है आप मीडियम हो लार्ज हो लार्ज से ज्यादा अगर आप हो तो मे बी ये आपको इतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा बट अगर आप मीडियम स्मॉल मीडियम लार्ज हो तो आप स्पेश आप आराम से इसको वेयर कर सकते हो सो तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है इसकी सो तो ये इसमें काफी सारे कलर्स थे इसमें ब्लैक व्हाइट पीच ग्रीन मुझे ये थोड़ा कलर अच्छा लगा था तो मैंने इसको लिया है फ्रेंड्स इस टाइप के क्रॉप टॉप में आपको बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट विदाउट कॉलर में भी मिलेगा अगर आपको कॉलर पसंद नहीं है तो फ्रंट बटन भी मिलेगा ऐसा पैटर्न भी मिलेगा कलर बहुत सारे कलर मिल जाएंगे और अफोर्डेबल है काफी ज्यादा ये भी मैंने 200 में ही लिया था सो so, एक मैंने ये लास्ट टॉप मैंने ये परचेस किया है सो so ये भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था मुझे इस क्लोथिंग में तो मैंने यही परचेज किए थे बस कुछ टॉप और एक ये ट्राउजर और मैंने कुछ वहां से इयर भी परचेज किए थे सो so वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले तो गाइज मैंने एक ये वेयर किया हुआ है अभी तो मैंने एक ये वाला इयर रिंग परचेज किया था एंड गाइज आपको चेकआउट करना पड़ेगा ये मार्केट में अगर आपको इस टाइप के ईयर चाहिए इस साइज में और इस तरीके के डिजाइन में तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस मिलेंगे डिफरेंट शॉप में मैंने एक जगह पूछा था तो उन्होंने मुझे हंड्रेड रुपए का बोला था हंड्रेड रुपीज का पेयर बोला था बट मैंने थोड़ा मैंने फिर छोड़ दिया था मैंने कहा कि आप उन्होंने बार्गेनिंग भी नहीं की थी तो मुझे थोड़ा वर्थ इट नहीं लग रहा था हंड्रेड रुपीज में तो फिर मैंने दूसरी शॉप से लिया तो ये मुझे फिफ्टी रुपीज में मिला था तो मैंने ये फिफ्टी रुपीज में लिया है तो ये काफी ज्यादा मुझे उतने प्राइस का ही मुझे लग रहा था और ये उतने प्राइस में मुझे मिल गया था फिफ्टी रुपीज में सो so, ये एक अच्छी डील थी मेरे लिए तो so, आप इस तरीके से चेकआउट करके लेना ये नहीं की आपको एक शॉप पे पसंद आ जाए तो आप वहीं से ही ले लो और प्राइस वो कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें सिमिलर शॉप में मिल जाती है डिफरेंट डिफरेंट शॉप में तो so, आप वो जरूर देख लीजिएगा सो so, गाइज दो जो इिंगस है वो मैंने ये लिए है ये एक मैंने लिया है ये ब्लैक कलर में और एक ये मैंने लिया है मल्टी कलर में सो गाइज इनका जो प्राइस है वो है ईच का प्राइस है थर्टी रुपीज तीस रूप का ये मुझे एक पेयर मिला है सो so गाइज आप इस तरीके की जंग ज्वेलरी तो, तो भरी 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 तो और इस तर, तरीके के ये टेसल वाले मुझे ये अच्छे लग रहे थे ब्लैक में तो मैंने एक ये लिए है और इनका थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन है तो मैंने एक ये वाला परचेज किया था गाइज अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है कुर्ती वगैरह आप वेयर करते हो तो उनके साथ में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं इस तरीके के एयर तो मुझे काफी अच्छे लगे थे काफी ज्यादा पसंद आए थे ये गैस, लास्ट जो इयरिंग्स है जो की इस होल का लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये वाले इयर ही ये आप देख सकते हो लुक कट द इंग्स क्या ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगे थे मुझे और इनका जो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे मुझे ये वाले इयरिंग्स आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसमें यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से पर्ल वाला जो है डिज़ाइन मिल रहा है यहाँ बॉटम में आप इसको कुर्ती के साथ में या फिर आप दिवाली पे कोई आप अच्छी हैवी ड्रेस वेयर कर रहे हो उसके साथ में या फिर अभी वेडिंग सीजन भी आ रहा है तो आप तभी भी इनको वेयर कर सकते हो किसी भी इंडियन आउटफिट के साथ में ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये इयरिंग्स एंड गाइज ये मैंने लिए है जस्ट वन फिफ्टी में येस गाइज वन में मुझे ये मिले थे और वन फिफ्टी रुपीज में इतने ज्यादाज तो तो so so की थी सरोजनी से और मैंने ज्यादा शॉपिंग उस दिन इतनी ज्यादा नहीं की थी क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए ही रुकी थी मार्केट में थोड़ा ही घूमा था मैंने पूरी मार्केट भी इवन एक्सप्लोर नहीं की थी तो बस ये सारी चीजें ही थी जो मैंने परचेज की थी तो गाइज ये था आज का वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा तो मेक शोर sure मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपनी रिक्वेस्ट और अपने सजेशंस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा सो so गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ बाय